ये तो काफिर हुए और पक्के काफिर हुए। अब ये है कि एक तो ये काफिर हैं और एक ईसाई भी काफिर हैं, एक कादियानी काफिर हैं, दूसरा ये है कि यहूदी भी काफिर हैं, एक कादियानी काफिर हैं, दूसरा ये है कि गैर मुस्लिम भी काफिर है। अब ये है कि यहूदियों के साथ तो मामलात अहले किताब की शक्ल में हो या दूसरे में हो उसमें लचक भी दी जाती है, उसको बर्दाश्त भी किया जाता है, जो ईसाई काफिर हैं उनके साथ भी किया जाता है। अब ये है कि जो कादियानी काफिर हैं इनके काफिर कुफर में और ईसाइयों के कुफर में क्या फ़र्क है? जो कादियानी काफिर हैं इनके कुफर में और यहूदियों के कुफर में क्या फ़र्क है? वो गैर मुस्लिम हैं उनको भी हम काफिर कहते हैं, इनको भी हम काफिर कहते हैं। जब कभी किसी मसले के ऊपर इनके हवाले से बात होती है तो कोई मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करता और कोई मुसलमान सुनना भी बर्दाश्त नहीं करता। वजह क्या है? एक दो मिसालें समाज फरमा लें फिर वजह खुद ही समझ आ जाएगी। एक मिसाल ये है कि एक बंदा है वो क्या है कि बकरे का गोश्त बेचता है, बकरे का गोश्त बेचता है, ठीक है, बकरे का गोश्त है वो कहता है। दूसरा बंदा है वो खिंजीर का गोश्त बेचता है, खिंजीर का गोश्त बेचता है, लोगों को बताता है कि ये खिंजीर का गोश्त है, यूरोप ममालिक में ये खिंजीर का गोश्त है, ये इतने में आ रहा है, लोग उससे भी लेते हैं, ये खिंजीर का गोश्त है जो खिंजीर खाने वाले हैं। अब एक तीसरा बंदा है, एक तीसरा बंदा है वो गोश्त तो खिंजीर का बेचता है, वो गोश्त तो खिंजीर का बेचता है, लेकिन ये कि स्टिकर वो ऊपर बकरे का लगाता है कि ये बकरे का गोश्त है, बकरे का गोश्त खरीद लो, बकरे का गोश्त खरीद लो, ये उसको बकरे का गोश्त कहकर कहता है। तो इनमें यही है कि ये यही लोग हैं, ईसाई हैं, वो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम काफिर नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, जो दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं वो काफिर हैं। इनमें और ईसाइयों में ये फ़र्क है। दूसरी मिसाल समझ लें, एक बंदा है वो दूध बेचता है, कहता है कि दूध है, सारे दूध खरीदते हैं। दूसरा बंदा है कि वो शराब बेचता है और कहता है कि ये शराब है और ये शराब तुम खरीद लो, लोग जो शराब पीने वाले हैं उससे शराब खरीदते हैं और उसको वो शराब कहता है। तीसरा बंदा बीच में आता है, वो बेच तो शराब रहा है लेकिन ये है कि वो दूध के बॉक्स में बेचता है, शराब को दूध कहकर बेचता है। तो ये यही फ़र्क है कि ये कादियानियों में और दूसरे दूसरे गैर मुसलमों में यही फ़र्क है कि ये लोग इस्लाम को, है वो कुफर, कुफर के ऊपर इस्लाम का पर्दा डाल के लोगों के सामने अपने आप को अपना इस्लाम पेश करते हैं। ये हैं तो खिंजीर बेच रहे हैं लेकिन खिंजीर के ऊपर बकरे का स्टिकर लगा के लोगों को बेच रहे हैं, कर तो ये शराब का बिजनेस रहे हैं, ये शराब को दूध कहकर कह रही हैं, इसी वजह से इनको जिंदीक और काफिर कहा जाता है। और इनको वो जो हैं वो क्या हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वो इस चीज़ का इकरार भी करते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं और ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे अलावा जितने भी हैं वो गैर मुस्लिम हैं, इसीलिए मुसलमान इनको तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरों को फिर भी बर्दाश्त कर जाता है। Oh।